आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये है आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स, जो कि मैं रूम्स रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, ये कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीटा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। और इस वक्त आपको ध्यान देना है अपने पार्टनर का, ध्यान करें अपने पार्टनर को और उनके नाम को मन ही मन दोहराएं। ध्यान रखना रीडिंग जनरल होगी, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के लिए रिजोनेट कर जाती है। ठीक है, एक्यूरेसीज के लिए अगर आपको डाउट है, आउटकम नहीं मैच हो रहा है, आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, मुझसे नहीं किसी से भी करवा सकते हैं। ठीक है, आपको आउटकम मिल जाएगा। इन व्यूअर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आज की इनके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपके पास आने के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने के लिए सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे काफी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ रियूनियन दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी ये व्यक्ति के साथ आपका रियूनियन हो सकता है, क्योंकि कई हद तक दिखाई दे रहा है कि पास्ट में बहुत लंबे टाइम से इस व्यक्ति के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। बहुत लंबे टाइम से मे बी या तो सेपरेशन की बातें हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, कि सेपरेट हो जाते हैं, स्पेस लेते हैं, या एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक किया, क्योंकि ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अचानक से आपको अंडरस्टैंड करने से इनकार कर रहे थे, या तो अचानक से ये व्यक्ति अदृश्य हो गए, यानी कि गायब हो गए और आपको कोई भी क्लैरिटी या जवाब देना भूल गए, जिससे आप बहुत परेशान हुए, आप बहुत रेस्टलेस हुए। इस व्यक्ति को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सारी मुश्किलें एक साथ, बोलते ना इतनी सारी मुश्किलें आपके पास आई जो एक साथ आपने अकेले झेली है। अकेले आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस को फेस किया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो गया था इस व्यक्ति के कारण, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। जहां पे कई बार ऐसा हुआ कि आपने कुछ नए लोगों को भी अपनाने का प्रयत्न किया, बट कहीं ना कहीं आप उसमें फेल हुए। साबित हुआ ये कि आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आप जैसे तैसे किसी के साथ आगे बढ़ते, पर फिर से वापस आपके कदम आपको जैसे पीछे ले आ जाते। कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशंस मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन एनर्जीज बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने की कोशिश करती रही और बार बार आपके रास्तों के कंफ्यूजन्स को क्लियर करने लगी, बार बार आपके आसपास के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगी, ये दिखाते हुए कि देखो यार यही व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हारा भाग्य है, तुम यहां वहां ट्राई करना बंद करो। पर आपका माइंड बार बार आपके साथ गेम्स खेलता रहा और आपको समझ ही नहीं आता था कि आखिर आपको करना क्या है, आपको आगे बढ़ना है या यहीं रुकना है। आपके पार्टनर के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो रातों रात बहुत ज्यादा चेंज हो गए, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत बड़े लेवल का हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो आप दोनों के रिश्ते में एक हायर लेवल का तूफान आया, जो आप लोग दोनों को कहीं ना कहीं घसीट कर ले गया और आप लोग दोनों को कहीं यहां वहां करके फेंक दिया। आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों को एक साथ रहने की जितनी आदत थी उतना ही एक दूसरे से जैसे कि दूरी इकट्ठी हो गई, दूरी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई और आप परेशान हो गए। आपके पार्टनर आपको बहुत लंबे समय से मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेपरेशन का कारण आपके पार्टनर मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने हैं बहुत सारी गलतियां ऐसी की जिसके कारण आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हुआ। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके ऊपर गलत डाउट्स भी क्रिएट किए थे, ऐसा मुझे एनर्जीज में इनके रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि यहां पर मुझे एक पजेसिव व्यक्ति, पूरी तरह अब्सेस्ड व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या जो आपको बार बार गलत समझने की कोशिश कर रहे थे, जो बार बार आपको ये समझ रहे थे कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या आपका फोकस कहीं और है, या आप जो है किसी और व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं। क्योंकि मुझे शक की सुई भी बहुत दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आप पे शक बहुत करते थे, आपको लेकर बहुत डाउट में रहे और कहीं ना कहीं खुद गलतियां करते रहे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखा। आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एनर्जीज में कि एक स्टबन या अड़ियल स्वभाव आ गया। एक तो गलती करते, ऊपर से गलती नहीं मानते, और अगर आप उनको रो रो कर बातें समझाते तो वो जैसे बातें सुनने से भी इनकार करते थे, और आपको लगने लगा मानो पता नहीं क्या हुआ, आपके पार्टनर सडन इतना चेंज कैसे हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांगली बहुत लंबे समय से मिस कर रहे हैं और अपने अंदर एक अजीब लेवल का अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अकेलापन धीरे धीरे इनको और ज्यादा सख्त बनाकर ले गया, मतलब और ज्यादा अड़ियल, और ज्यादा इगोइस्टिक, और ज्यादा ये व्यक्ति दिन ब दिन और ज्यादा बुरे हो गए, यानी कि और ज्यादा इन्होंने जो है खराब एनर्जीज को एक्सेप्ट किया। आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भड़काया गया इनको, बहुत ज्यादा इनका दिमाग खराब किया गया, इनका ब्रेन वॉश हुआ, जहां पर ये मानो आपकी कोई भी बात को सुनने या समझने को इनकार करते रहे।
आप दोनों की एनर्जी में मुझे मेजर शिफ्ट ये दिख रहा है कि प्रॉब्लम ये थी कि आपके पार्टनर आपकी कोई बात को सुनते नहीं, समझते नहीं, और आप भी कहीं ना कहीं इस एनर्जी से इतना थक गए थे कि आपने अपने आप पे ही फोकस करने के बारे में सोच लिया। आपने सोचा कि ठीक है यार, अब मैं इसके पीछे और नहीं भाग सकती या और नहीं भाग सकता, इसे कितना समय तक समझाया जाए, बट अब मुझे अपने आप पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा ही ईगो में आ गए, बहुत ज्यादा ईगो में आ गए, ये आपसे अगर बात भी करते तो मानो ऐसा लगता कि जैसे ये व्यक्ति आप पे एहसान कर रहे हैं। आप बार बार हर्ट हुए, बार बार इस व्यक्ति से एक के बाद एक आपने बहुत ज्यादा सिचुएशंस और डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना किया। कई बार आपके पार्टनर आपके रास्ते पे खुद ही बहुत सारे पत्थर डालते रहे जहाँ पे आपको बहुत चोटें आई हैं, ऐसी एक प्रॉब्लम मुझे नजर आई है। आपके पार्टनर लियो एनर्जी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, काफी हद तक एक्यूरियस हो सकते हैं, एरीज राशि दिखाई दे रही है, टॉरस दिखाई दे रही है, और काफी हद तक मुझे धनु भी दिखाई दे रही है, यानी कि सैजिटेरियस दिखाई दे रही है, कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकती है, वाटर साइन भी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब आपके साथ जो है एक अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। वो आपके साथ बहुत समय से बहुत ही बुरा बर्ताव करते रहे, लेकिन अब ये आपके साथ वापस से कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे लव करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, और ये व्यक्ति आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मैडली बैडली अट्रैक्ट होते हुए। ये व्यक्ति आपको सोचकर भी बहुत ज्यादा इस तरीके की एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि क्या ही कहें। इस व्यक्ति को आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आते हैं और ये काफी हद तक आपको आपके पुराने समय को बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बातें, वो छोटे छोटे पल, कोई वीडियो, कोई फोटो, डेफिनेटली इनके पास कुछ है जो ये बार बार देखते हैं और आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। इस व्यक्ति के अंदर स्टॉकिंग एनर्जी भी है जहां पर ये आपको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको अप्रोच कर सके। हिम्मत इकट्ठी करने में इन्होंने बहुत समय लगाया है, जहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिश्ता दिन ब दिन बहुत ज्यादा डिस्टेंस में आता चला जा रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं और रीयूनियन चाहते हैं और चाहते हैं कि पुरानी बातें भूल कर आप एक नई शुरुआत करें। यूनिवर्स मुझे एक और मैसेज दें। आपके पार्टनर आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, उनको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन पिछले कुछ जन्मों से कनेक्टेड है, या आप लोग दोनों का कनेक्शन बहुत लंबा था और बहुत आगे तक चलना था, बट अचानक से इन्होंने सब चीज़ें बीच में ही छोड़ दी हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने रिश्ते में बहुत ज़्यादा घाई या जल्दबाजी कर दी और डिसीजन लेकर आपसे दूरी बनाकर बेवकूफ़ियाँ की हैं। ये बेवकूफियां इन्हें रियलाइज जरूर हो रही हैं, रिग्रेट है इनके अंदर, सॉरी का एहसास है, और इन्हें लगता है कि चीजें जो भी बिगड़ी ये अभी भी उसे ठीक कर सकते हैं। इनके अंदर वो इंटेंशंस है जहां पर ये अभी भी ये सोचते हैं कि अभी भी ये अपनी तरफ से सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर हिम्मत इकट्ठी करने में ज्यादा समय लगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये आपसे रियूनियन जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होकर बहुत ज्यादा हिम्मत इकट्ठी करके आपको अप्रोच करने के बारे में या आपको मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो इंटेंशन सेट हो गया है जहां पर ये विश्वास कर चुके हैं और इस बात को मान चुके हैं कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपके बिना इनकी जिंदगी अधूरी है, और चाहकर भी ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को या पीसफुल एनवायरनमेंट को नहीं फील कर पाएंगे। इस बात पे इनका विश्वास और ज्यादा मजबूत हो चुका है जहां पर ये मान चुके हैं कि ये चाहे कितना चाहें या कितना भी सोच लें, ये आपके बिना अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते, आपके बिना इनकी जिंदगी बहुत ही इनकम्प्लीट रहेगी, इस चीज को ये फील कर पाए हैं। रियूनियन का काफी स्ट्रांग साइन 222 मुझे दिखाई दिया है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आप लोग जल्दी दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। कुछ लोगों को कॉल आज रात ही आने वाला है अपने पार्टनर का, कोई आपको जो है ज्यादा से ज्यादा आज रात या दो दिन में मैसेज या कॉल आ सकता है। काफी लोगों के साथ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ रिकनसाइल करने की कोशिश या आपके लिए एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी रियलाइजेशन आ चुकी है जहां पे इन्हें लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सो रूम्स की रीडिंग में हमने उनकी एनर्जीज को तो डेफिनेटली देख लिया, अब हम सिर्फ कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनके। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। आली रे आली आता तुझी बारी आली, अब आपका समय आ चुका है जब आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग्स देती नजर आ रही है।
चुपके चुपके तुम्हें देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, ये व्यक्ति आपको स्टॉप करते हैं। विल यू मैरी मी, कुछ लोगों के लिए शादी का प्रस्ताव आने वाला है। आई नो आई डोंट एडमिट इट बट आई नो आई एम रॉन्ग, आई हर्ट यू। मैं एडमिट नहीं करता या एडमिट नहीं करती, पर मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। अब नहीं रहा जाता मुझसे, अब आपके बिना ये अपने आप को नहीं देखना चाहते। अकेला महसूस करते हैं, खाली महसूस करते हैं और ये आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, सो एक सॉन्ग निकाल लेती हूँ मैं आपके पार्टनर की तरफ से। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या सॉन्ग देना चाहेंगे, क्या डेडिकेट करना चाहेंगे। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। सो ये कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि आप चेंज हो जाए। जिस तरीके से आप इनकी केयर करते हैं, जिस तरह से आप इनकी सेवा करते हैं और आप इनको इतना प्यार देते हैं, ये हमेशा से आपको वैसा ही देखते रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने आपको कभी ना बदलें। जो बदलाव ये आपके अंदर देखते हैं उससे अट्रैक्ट जरूर होते हैं, पर ये उम्मीद रख कर बैठे हैं कि आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप पहले थे। कहीं ना कहीं ये आपको बदलता हुआ नहीं देखना चाहते। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आई मसवाला, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर डालें और ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और आपको उसके अलावा ब्रेसलेट्स बनवाने हैं तो अमित सर का नंबर मैंने डाल दिया है, 7888-3545। मुझे भी याद पड़ गया उनका नंबर, तो आप डेफिनेटली उन्हें ब्रेसलेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, वो एनालिसिस के बाद आपको ब्रेसलेट प्रोवाइड करते हैं। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9356469339837 सॉरी मतलब मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं। मुझे अपना नंबर याद नहीं, बताओ मुझे अमित सर का नंबर याद पड़ गया, विच इज वेरी शॉकिंग, बट ठीक है यार, आपको मिल जाएगा। वीडियो पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या नीचे, मैं एक्चुअली मुझे रहता हुआ रहता है, आई डोंट नो क्यों मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एनीवेज नो प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो पे से आप नंबर निकाल सकते हैं और जो है उसमें से आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ये मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो। पर ध्यान रखना पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है। और बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम में भी मैं स्मॉल स्मॉल पोस्ट डालती रहती हूँ, अगर आपको एंजॉय करना है आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।